अगर मैं वृंदावन का बजट बताऊं कि आप एक दिन में जाना चाहते हैं तो आप सुबह 6 बजे निकले, शाम को 6 बजे तक आराम से आप दिल्ली में कहीं भी हो अपने घर वापस कर सकते हैं। तो दिल्ली से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 139-140 किलोमीटर आता है गूगल मैप पे, तो इतना ही है वो। और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, सेम डे रिटर्न कर सकते हैं, अपनी परिक्रमा पूरे करके दर्शन करके सेम डे आप वापस आ सकते हैं। और मेरा भी वही प्लान है, आपकी बारी, मेरी लॉन्ग ट्रिप नहीं है, एक मैंने राइड करनी थी, मुझे राइडर्स के साथ करनी थी राइड, और मैं अपने ग्रुप के साथ राइड कर रहा हूँ। तो भाई अब हमने 20-30 किलोमीटर कवर कर लिया है, और अब ये बाइकर्स देख सकते हो, हम सारे थोड़े से क्लोज हो चुके हैं, आसपास आगे पीछे चल रहे हैं। और अब थोड़ा ट्रैफिक भी मिलने लग गया है, तो कोशिश ये रहेगी अभी भी कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये रास्ता कवर हो जाए, ताकि ये जो ट्रक्स हैं, ये भीड़ है लोकल्स हैं, इनका रश ना मिले। तो अगर आप लोग जाते हैं वृंदावन दिल्ली से, तो कोशिश ये करना है कि यार सुबह सुबह जल्दी निकलो, जितना जल्दी निकलोगे उतना बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जल्दी का मतलब ये है कि 4 बजे निकल, 4 बजे तो नहीं, 5 बजे निकल जाओ, 6 बजे निकल जाओ, इतना सही रहेगा। अगर आप निकलते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो आपको ट्रैफिक बहुत मिलेगा, जिससे आपकी जर्नी और ज़्यादा लेट होगी। तो कोशिश ये करना, अगर दिल्ली से वृंदावन का ट्रिप बना रहे हो आप एक दिन का सेम डे रिटर्न में, तो जल्दी निकलना, जल्दी में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अगर यार आप कभी ऐसे ग्रुप में राइड करते हैं, तो आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी किसी को ओवरटेक ना करें, ये एक दूसरा ग्रुप निकल रहा है, और हमेशा अपने बाइक वाले के अपोजिट थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में चलें, क्योंकि अगर बाइक वाले के बिल्कुल पीछे चलेंगे तो आपको गड्ढा नहीं दिखेगा, आगे वाला तो गड्ढे से बच जाएगा बट आप गड्ढे में घुस जाएंगे। तो हमेशा अपने बाइक वाले के अपोजिट चलें, जैसे कि देखिए मेरे साथ में एक राइडर यहाँ चल रहा है और मैं इधर चल रहा हूँ, तो आपको हमेशा ऐसे ही चलना है। और ये थोड़ा सा कुछ रोड्स हैं यहाँ पे, हाईवे का काम हो रहा है, तो जिससे आपकी स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाली जहाँ पे जो दूसरी रोड दे रखी है, ये रोड थोड़ी चौड़ी है। अगर आप लोग अगर मथुरा अगर गाड़ी से जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक टोल टैक्स देना पड़ेगा, एक ये टोल टैक्स आ गया है। और वही बात, बाइक वालों के लिए कोई टोल टैक्स नहीं है अभी भी, ये अपनी लेन में से हम निकल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक टोल लगेगा, तो जो आपका ट्रैवल के राइड के अलावा एक अलग से खर्चा है गाड़ी में, वो आपका ये है पेट्रोल के अलावा एक टोल टैक्स। अभी तक ये एक ही पड़ा है, पीछे पड़े थे दो, बट वो दोनों बंद थे, बट ये चालू है, तो आपका एक ही खर्चा भी जुड़ जाएगा। सेम डे रिटर्न का टोल लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे स्टे नहीं लेना है, सेम डे रिटर्न का टोल लेना, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। और अब मथुरा रह गया है सिर्फ 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर में सिर्फ अभी तक दो टोल आए हैं, एक फरीदाबाद पे और एक आया था अभी थोड़ी देर पहले एक पीछे, तो आपको सिर्फ दो टोल देने पड़ेंगे गाड़ी से आते हैं। तो अब इतना ट्रैवल करने के बाद अपना एक स्टॉप आ गया, अब सारे अब अपनी अपनी बाइक लगा सकते हैं। देखो हम कितने जने हैं, सो फाइनली इतनी देर चलने के बाद अब हमने एक स्टॉप लिया है, और ये है पप्पू, अपनी पप्पू ढाबा, तो उसके बाद यहाँ रुक के ब्रेकफास्ट करके अब आगे जाएंगे मथुरा। यहाँ से 50 किलोमीटर रह चुका है, तो हमें वृंदावन जाना है, तो नाश्ता करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो अब नाश्ता करके
और फिर से राइट कंटिन्यू करिए वृंदावन के लिए। और सूरज देखो ऑरेंज से एकदम सफ़ेद हो चुका है अब। तो भाई अगर आप दिल्ली से आते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कि यमुना एक्सप्रेसवे से जाना है मथुरा के लिए, आप ये फरीदाबाद वाला पलवल वाला रोड ले सकते हैं। और ये रोड एकदम बढ़िया है, रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता था, पर अब कुछ टाइम से इस रोड की मरम्मत हो गई है, सब ठीक हो गया, तो रोड बढ़िया है। अब ये देखो मथुरा रह गया है सिर्फ 44 किलोमीटर। अगर जाने को चाहे तो एक दिन में आगरा भी जा सकते हैं, 99 किलोमीटर है। और अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 9 बजे हैं, तो 44 किलोमीटर एक घंटे में कवर हो जाएगा आराम से। और अब मथुरा रह गया सिर्फ यहाँ से 11 किलोमीटर, बट हमें वृंदावन जाना है, और वृंदावन के लिए हमें लेफ़्ट मुड़ना होगा। और आगे से हमारे मेंटोर का इशारा भी आ गया लेफ़्ट में रखने के लिए, तो मैं भी लेफ़्ट का इंडिकेटर दे देता हूँ बस। और ये हम वृंदावन के लिए लेफ़्ट मुड़ गए अब, और ये आ गया वृंदावन, मेरो वृंदावन। सो फाइनली एंट्री हो गई अपनी, और अभी बजे हैं 10। यहाँ तक आने में हम निकले थे 6 बजे, 6, 7, 8, 9, 10, एक घंटा हमने रेस्ट करा था, ब्रेकफास्ट करा था, तो वहाँ पे एक घंटा हटा दो तो वृंदावन आने में हमें सिर्फ 3 घंटे लगे, वो भी नॉर्मल एवरेज स्पीड पे, खैचम खैच भी नहीं, धीरे धीरे हैं। तो दिल्ली से आप वृंदावन आराम से ईज़िली 3 घंटे में आ सकते हैं। सुबह के टाइम निकलोगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर लेट निकलोगे तो ट्रैफिक आपको बहुत परेशान करेगा। तो आप कोशिश करना कि दिल्ली से वृंदावन आ जाएं, आना है तो आप सुबह जल्दी निकलें ताकि आप ट्रैफिक से बच सकें। हाँ, तो अब ये मेरे राइट साइड से ये धर्मशाला रूम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं चलता हूँ अब, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।